सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ की। मैं गॉडफादर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो भी लोग गॉडफादर स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं वो आई थिंक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लेके आओ, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से पैसे बनाने हैं। और बेसिकली ये अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स। ये दो चीज़ होता है मेनली, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको ये दोनों बेनिफिट्स मिलता है कि वो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स को अचीव करते हैं। दैट्स वाई स्कैल्पिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग्स टू डू इन अ ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या है नहीं है, सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया समझेंगे। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जिस तरीके से गॉड फादर स्ट्रैटेजी था ना, गॉड फादर स्ट्रैटेजी जितने लोग नहीं देखे जाकर के आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। और इनफैक्ट पिछले 10-15 दिन से वो लगभग एक या दो बार मैक्सिमम स्टॉप लॉस लिया है, बाकी लगभग सारे दिन 200-300 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो जितने भी लोग यूज़ नहीं कर रहे वो जाके यूज़ कर सकते हैं गॉड फादर स्ट्रैटेजी को। ठीक है, गॉड फादर स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतर स्ट्रैटेजी है, तो आप जाकर के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इसका जो नेम है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। बेसिकली मैंने इसका नाम जो रखा है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का, वो है गॉडजिला। ठीक है, गॉडजिला जो कि एक मूवी का नाम है, आई थिंक मुझे ऐसा याद है, तो मैंने इसका नाम रखा है गॉडजिला स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी एक्यूरेसी मैं बोलूँ मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 90% है। आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और मिनिमम स्टॉप लॉस जो आएगा इसका, वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, मैक्सिमम 20 पॉइंट का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और टारगेट कम से कम 80 to 90 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट अचीव करेंगे, और 90% एक्यूरेसी है। और ये इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। इसका नाम गॉडजिला स्ट्रैटेजी है। तो चलिए, इसके रूल्स क्या है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊँ इस स्ट्रैटेजी को, और भी एक्यूरेसी इन्हांस करने के लिए सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं बताऊँगा लास्ट में, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और आपके सामने जितना दिन का डेटा मुझे मिलेगा मैं सब बैक टेस्ट करूँगा आपके साथ में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स को पहले लिखेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम क्या रखना, मैं रूल लिख देता हूँ एक बार, सारा ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारा ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ और मैं टाइम फ्रेम रूल्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रूल्स आप सब रूल्स मेक श्योर कि नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल्स नहीं रहेंगे तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए। तो जो आज का पहला रूल है वो ये है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, 1 मिनट, ये ध्यान में रखना है, 1 मिनट। ठीक है, पहला रूल टाइम फ्रेम 1 मिनट होना चाहिए। दूसरा रूल, हम लोग एक इंडिकेटर का सपोर्ट लेंगे, इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कह रहे कि मैं इंडिकेटर बेसिस को स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, नहीं, इंडिकेटर को बस इसलिए यूज़ करेंगे, मैं नहीं यूज़ करता इंडिकेटर, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब फेक जगह पे नहीं फंस जाओ, इसलिए मैं आप सबको एक इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए बोलूँगा, ताकि आप जो भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो वो जेन्युइन जगह पे अप्लाई करो, कोई फेक जगह पर आप एंटर ना हो जाओ और लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे सिर्फ किस लिए, टॉप और बॉटम को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे पता होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पकड़ पाते हैं, कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जगह पर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन को टॉप फाइंड आउट करने के लिए हम जो इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, बहुत ही यूजुअल इंडिकेटर है, आप सब सुने भी होंगे उनका नाम, दैट इज़ बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो बोलिंजर बैंड। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो टारगेट होगा, टारगेट जो होगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 1:4 होगा, मिनिमम 1:4। वैसे आपकी मर्जी रहेगी, आप 1:3 पे भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आपको मिनिमम 1:4 लेना, यानी कि अगर आप एक पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 4 पॉइंट आप टारगेट करोगे, यानी अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 40 पॉइंट का टारगेट आपका होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ दिमाग में रखना है। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा, क्योंकि आपको ही पता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस ही कितना बढ़ाएगा। और इसकी एक्यूरेसी
आप निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला, दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो आप ये तीन रूल पहले लिख लें, क्या क्या मैंने बताया, फर्स्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट होना चाहिए, सेकेंड बॉलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे, एंड थर्ड टारगेट हमारा 1:4 होगा। ठीक है, और दिन में आपको मल्टीपल्स ट्रेड मिलेंगे, इनफैक्ट मैं कहूँ तो 10 से 12 ट्रेड मिलेंगे, और कोशिश ये करना है कि अगर पहले 2-4 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो उस दिन प्रॉफिट को लॉक करके चले जाना है, ये नहीं कि मतलब पूरे ट्रेड करना है। हाँ, अगर शुरुआत के एक दो ट्रेड लॉसेस में गए तो नेक्स्ट ट्रेड को हम आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अगर शुरुआत के 4-5 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो उसके बाद डेस्कटॉप को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है, अगर इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रूल्स इज रूल्स, जब तक आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो ये जो दिमाग में रखना है, टारगेट 1:4, स्टॉप लॉस एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि हम लोग सिर्फ जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम वहीं पे ट्रेड करेंगे, अनयूजुअल ट्रेड्स या फिर रैंडम ट्रेड्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या टाइम फ्रेम 1 मिनट करना है, तो मैं टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, ये टाइम फ्रेम 1 मिनट हो गया, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरा रूल क्या है, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड देखिए मेरा स्टार रेटेड किया हुआ फेवरेट में है, तो बॉलिंजर बैंड मैंने इंडिकेटर लगा लिया, और जिनको नहीं पता आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट में ही आ जाएगा बॉलिंजर बैंड, आप उसको लगा लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये दो चीज़ दिमाग में रखनी है, फर्स्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट, सेकेंड बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अब करना क्या है, हमें दो कैंडल को पकड़ना है, दो कैंडल को फाइंड आउट करना है। पहला कैंडल कौन सा होगा, जिसको हम पहला कैंडल कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, पहला कैंडल कौन सा है, शूटिंग स्टार। अब ड्राइंग पे मत जाइएगा, शूटिंग स्टार आपको पता है कैसा होता है जो। ठीक है, शूटिंग स्टार, पहला कैंडल शूटिंग स्टार होगा। मैं थोड़ा अच्छा सा ड्राइंग कर देता हूँ, क्या पता लोग कहने लग जाए कि हाँ। पहला कैंडल क्या होगा, दो दो कैंडल पे ध्यान रखना है, कौन कौन सा, एक शूटिंग स्टार, मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, दो कैंडल पे दिमाग में रखना है हटा करके कि एक शूटिंग स्टार। ठीक है, और दूसरा कैंडल कौन सा, दूसरा कैंडल कौन सा रखेंगे, बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग आपको पता ही होगा, एक सेकेंड, हाँ बेरिश इनगल्फिंग, ये दो कैंडल को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर कभी कभी मिल गया स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, स्पिनिंग टॉप कुछ इस टाइप का होता है जिसकी बॉडी और दोनों साइड का जो विक होता है वो बराबर होता है, तीनों तीन सेगमेंट में होते हैं, बॉडी और दोनों साइड का अपर अपर विक और लोअर विक दोनों बराबर होता है। तो ये तीन कैंडल को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, सिर्फ तीन कैंडल को, मेजरली हमको ट्रेड ये देगा, उसके बाद जो ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे वो ये इससे मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत इससे भी ट्रेड मिलेगा, बट मेजॉरिटी जो ट्रेड देगा वो हमें शूटिंग स्टार देगा, और कुछ हद तक ये भी अच्छे खासे ट्रेड देगा, और ये कभी कभी अच्छा खासा ये भी ट्रेड देता है। तो ये तीन कैंडल को दिमाग में रखना है। ठीक है, कौन कौन सा मैं लिख देता हूँ, तीन कैंडल दिमाग में रखना, कौन कौन सा, शूटिंग स्टार, जिनको नहीं पता शूटिंग स्टार क्या होता है आप जाकर कैंडल स्टिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैं शूटिंग स्टार का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो शूटिंग स्टार जाकर के आप वो वीडियो देख लें, शूटिंग स्टार। ठीक है, पहला कैंडल ये, और दूसरा कैंडल कौन सा, बेरिश इनगल्फिंग। या फिर बेरिश इनगल्फिंग ही कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और तीसरा कैंडल स्पिनिंग टॉप। ये तीन कैंडल दिमाग में रखनी है। ठीक है, मैं आपको बता दिया, पहला शूटिंग स्टार कुछ इस टाइप का दिखेगा, बेरिश इनगल्फिंग इस टाइप का दिखेगा, और स्पिनिंग टॉप इस टाइप का दिखेगा। बेरिश इनगल्फिंग का जो कलर होगा वो रेड होगा, शूटिंग स्टार का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शूटिंग स्टार होगा, स्पिनिंग टॉप का भी कलर उतना कुछ खास मैटर नहीं करता, बट अगर रेड कलर में मिल गया तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि जो बेरिश इनगल्फिंग होगा इसका कलर रेड ही होना चाहिए, जो बेरिश इनगल्फिंग होगा, बेरिश इनगल्फिंग सबको पता होगा इस टाइप का कैंडल होता है रेड कलर में। ठीक है, इस टाइप का कैंडल होता है, ये रेड कलर में होना चाहिए। शूटिंग स्टार रेड में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिनिंग टॉप को हम ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे रेड कलर में, तो ये दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, हर एक चीज़ रूल वगैरह दिमाग में आ गया। पहला रूल क्या था, टाइम फ्रेम 1 मिनट, दूसरा रूल बॉलिंजर बैंड लगा लेना है, तीसरा रूल 1:4 टारगेट रखना है, चौथा शूटिंग स्टार, बेरी सिंगलफिंग और स्पिनिंग टॉप, ये तीन कैंडल को हम ट्रेड करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब चलिए ट्रेड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपके सामने बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सारा, आप एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं भी डिलीट करूंगा क्योंकि मुझे बताने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी सब ड्राइंग की वजह से,
तो मैं पहले आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को, और चलिए मैं ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या बोला था कि बॉलिंजर बैंड लगा लेना। बॉलिंजर बैंड मैं क्यों लगाने के लिए बोला था, बॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉलिंजर बैंड होता क्या है, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है ना, ये लोअर वाला, इसको एज अ सपोर्ट की तरह हम देखेंगे। क्या? एज अ सपोर्ट, ठीक है, एज अ सपोर्ट। यहाँ से क्या होगा, मेजरली मार्केट इस लेवल पे आकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जो इसका अपर बैंड होता है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। नीचे वाला बैंड सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर वाला बैंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मिडिल बैंड को उतना कुछ खास हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मेन जो इंपॉर्टेंस वाला बैंड है वो ऊपर वाला बैंड है, इसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे, और हमारा ट्रेड सिर्फ वन साइडेड होगा, सिर्फ पी को हम ट्रेड करेंगे, सी हम नहीं ट्रेड करेंगे। सी के लिए मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कभी बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा, इसमें सिर्फ हम पी ट्रेड करेंगे। और ये जो बॉलिंजर बैंड में बता दिया, निचला जो लेवल्स होता है, जो निचला नीचे वाला जो ये बैंड है, नीचे वाला जो बैंड है ये सपोर्ट की तरह काम करता है, और ऊपर वाला जो बैंड है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे, और सबसे बड़ी बात ये दिमाग में रखनी है कि एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी पे ही ट्रेड करेंगे, फालतू कोई भी जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल होगा, बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल होगा, अगर इस जगह पे कोई एक इस टाइप का कैंडल बनता है, या तो शूटिंग स्टार बन जाए, या तो बेरिश इनगल्फिंग बन जाए, या तो स्पिनिंग टॉप बन जाए, ये तीन कैंडल में से कोई एक कैंडल अगर अपर बैंड को टच कर दिया, ठीक है, और अपर बैंड को टच करने के बाद जो उसके नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा और उसके लो को ब्रेक होते ही हम एंटर हो जाएंगे। रूल मैं समझा रहा हूँ, रूल मैं समझा रहा हूँ, अपर बैंड को टच करना चाहिए, अपर बैंड को टच करना चाहिए, शूटिंग स्टार हो या फिर बेरिश इनगल्फिंग हो या फिर स्पिनिंग टॉप हो, दो तीन कैंडल मैं बता रहा, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग और स्पिनिंग टॉप, अपर बैंड को टच करना चाहिए। जब अपर बैंड को टच कर जाए उसके बाद क्या करना है, उसके लो को मार्क कर लेना है। मान लीजिए ये तीन कैंडल ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये तीन कैंडल ऐसे ऐसे बनेगा, तो ये शूटिंग स्टार का ये जो हाई है और ये लो है, तो हाई और लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मार्क करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा एग्जीक्यूशन इसमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का ट्रेड होगा, ठीक है। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होगा नेक्स्ट कैंडल, हम एंटर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए बेरिश इनगल्फिंग बना, उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा हम एंटर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि स्पिनिंग टॉप बन गया, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बन गया, एक सेकेंड, स्पिनिंग टॉप बन गया, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम एंटर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस मेरा ये वाला लेवल होगा, सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। ये शूटिंग स्टार, ये बेरिश इनगल्फिंग, ये स्पिनिंग टॉप, सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा और सेम कैंडल के लो पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा और टारगेट हमारा मिनिमम 1:4 होगा। तो अब आपको रूल समझ में आ गया होगा, मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड पे टच होना चाहिए तीनों में से कोई एक कैंडल। तो पहला तीन में से कोई कैंडल ढूंढना है, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग या फिर स्पिनिंग टॉप। तो चलिए हम डे के स्टार्टिंग पे ही जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं बैक टेस्ट करना। ये मान लीजिए ये है बेरिश इनगल्फिंग, आप देख सकते हैं इधर कोई भी ऐसा कोई कैंडल है जो टच हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल ये भी है लेकिन टच नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको मर्जी आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड करते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता, बट हमारा एंट्री कहाँ पे था, इस वाले कैंडल पे। ये क्या है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, बेरिश कैंडल है जिसमें दोनों साइड छोटा छोटा वीक है और रेड कलर में है। तो हम क्या करेंगे, इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है, और इसके हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और मिनिमम टारगेट हम कितना रखेंगे, 1:4, ठीक है, ईजिली अचीव हो गया। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट के हैं, 27 पॉइंट का। टारगेट कितना पॉइंट का आया, 113 पॉइंट, ठीक है। तो ये पावर है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का। दिमाग में रखना है क्या क्या, बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग या फिर स्पिनिंग टॉप, ये तीन कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच कर रहा है और उसके लो उसी कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो हम वहाँ पर एंटर हो जाएंगे, सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:4 का टारगेट का वेट करेंगे। पिछला दिन जो मार्केट चला है मैं उसी का बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस जगह पर हमारी एंट्री हुई, क्योंकि ये कौन सा कैंडल था, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल था। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है एक तरह से बेरिश कैंडल है, जिसमें मैं बता दिया कैंडल कैसा होना चाहिए, बेरिश इनगल्फिंग वाला, इस टाइप का कैंडल होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कैंडल होना चाहिए। कलर कैसा होगा, रेड, ठीक है, रेड कलर का कैंडल होगा,
तो ये दिमाग में रखना है, ये कैंडल को, ये देखिए सेम कैंडल ऐसा बन गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, ये नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगा इसका लो, हम एंटर होंगे और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और सेम 1:4 का टारगेट लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए सेम जगह यहाँ पर भी हमें मुझे एंट्री मिली, लगभग ये टच करने वाला है। ठीक है, तो इस जगह पर भी एंटर हो सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टच कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ये भी क्या है, बेरिश कैंडल है, जैसा मैं बताया था दोनों तरफ छोटा छोटा वीक होगा और रेड कलर में कैंडल होगा। तो यहाँ पे भी लगभग कितने 27 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहा है, 28 पॉइंट का, और टारगेट हमारा क्या होगा, 1:4, मिनिमम 1:4। ठीक है, ये रहा 1:4 अचीव हुआ, 28 पॉइंट का टारगेट, 112 पॉइंट, 28 पॉइंट का टारगेट है और 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 112 पॉइंट का टारगेट है, दो टारगेट्स मिल गए। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, इस वाले कैंडल पे भी ट्रेड लेंगे जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, ये वाले कैंडल पे भी हम टारगेट ट्रेड लेंगे इसका लो ब्रेक होते ही, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट कैंडल, ये क्या है, ये डोजी टाइप कैंडल, हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे, हम इस पर एंटर नहीं होंगे। हम किस पर एंटर होंगे, या तो शूटिंग स्टार मिले, या तो बेरिश इंगल्फिंग मिले, या तो स्पिनिंग टॉप मिले। तो ये देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मुझे मिला, मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊँगा। स्टॉप लॉस क्या रखूँगा, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस रखूँगा। ठीक है, और टारगेट क्या रखूँगा, मिनिमम 1:4, 1:4 मुझे यहाँ पे कितना मिला, 1:2.5, लगभग 1:2.6 के आसपास। अब यहाँ पे आपका अपना एक्सपीरियंस काम आएगा। अब देखिए आपको 1:2.5 मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अगर मान लीजिए 1:2 मिल गया तो स्टॉप लॉस को क्या कर लीजिए, एंट्री पे ला दीजिए। अगर 1:3 मिल गया तो और नीचे ले आइए। ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट लॉक होते जाएगा और घर से आपका एक भी रुपया नहीं जाएगा और आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो इस दिन, इस टाइम पे भी देखिए लगभग 62 पॉइंट आपको इजिली मिल गया, 60 पॉइंट, 50 पॉइंट भी कोई बैंक निफ्टी में अगर इजिली अचीव कर रहा है ना, दैट मीन्स वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस उसके पास है, तभी वो 50 पॉइंट अचीव कर पा रहा है। आपको ये इजिली 60 पॉइंट अचीव करके दिया, 1:4 टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारा घर से कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 1:2.5 मिल चुका है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे या फिर इनफैक्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे घर पर। ठीक है, तो ये तीसरा ट्रेड हो गया। फिर मुझे ट्रेड कहाँ पर मिला था, एक ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला था शूटिंग स्टार पर, यहाँ पर भी मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला, मैं यहाँ पर भी ट्रेड करूँगा। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, लगभग कुछ 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, और ये ट्रेड कितना दिन, कितना कितना तक गया, लगभग 53-60 पॉइंट के आसपास गया। ये वाले भी ट्रेड, मतलब सेम ट्रेड में रहता तो ये ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर एक और ट्रेड मुझे कहाँ मिला, ये वाला मिला, ये देखिए एकदम से एग्जैक्ट एकदम नियरेस्ट लेवल पे है, यहाँ पे नियरेस्ट लेवल है, ये बोलिंजर बैंड का अपर लेवल जो है ये नियरेस्ट लेवल है। ठीक है, जैसे एकदम नज़दीक पहुँच जाए तो वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लिया, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, शूटिंग स्टार है, लो ब्रेक होगा, ट्रेड लेंगे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मेरा मिनिमम 1:4 टारगेट होगा। ठीक है, तो मिनिमम 1:4 आपको अचीव हो गया इसी कैंडल में, 60 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। अभी मुझे इधर कोई भी ट्रेड नहीं मिला क्योंकि नियरेस्ट में कोई भी शूटिंग स्टार हमें नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर देखिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया, इधर कोई ट्रेड मिला नहीं मिला। हम क्या कह रहे हैं, बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है उसको टच करना चाहिए, बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है उसको टच करना चाहिए, नहीं तो उसके नज़दीक में कैंडल बने। ये नहीं कि काफ़ी दूर हो, बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल ऊपर है और कैंडल काफ़ी नीचे बन रहा है, नहीं, नज़दीक में बने या फिर टच हो। अगर टच वाला मिल गया तो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड है, और नियरेस्ट वाला है तब भी वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, मतलब अच्छा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेरिश इंगल्फिंग फिर से बना, बेरिश इंगल्फिंग या फिर तुम इसको बेरिश कैंडल लोग बोलते हैं, इंगल्फिंग नहीं कह सकते, इंगल्फिंग थोड़ा दूसरा टाइप का होता है, मैं बस समझाने के लिए बोल दिया कि बेरिश कैंडल होना चाहिए इस टाइप का, बस इसको याद रखना और कुछ नहीं। इस टाइप का कैंडल दिखेगा जिसमें छोटा सा बिक नीचे होगा और छोटा सा बिक ऊपर होगा। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल को दिमाग में रखना है, ये कैंडल को दिमाग में रखना है, सेम कैंडल पर ट्रेड लेना है। इसके बाद एक शूटिंग स्टार को दिमाग में रखना है और एक स्पिनिंग टॉप को दिमाग में रखना है। अभी देखिए फिर ये हमें इस जगह पर ट्रेड दिया, हम एंटर हो जाएंगे, इसके लो जैसे ही ब्रेक होगा हम एंटर हो जाएंगे और सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेरा 1:4 टारगेट होगा। ठीक है, 1:4 टारगेट अचीव हो गया, 78 लगभग 80 पॉइंट का टारगेट ये भी दिया। ठीक है, अभी फिर मुझे कोई इधर ट्रेड मिला, ये देखिए शूटिंग स्टार बना लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ, और इधर मुझे कोई ट्रेड मिला, ट्रेड ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, मुझे ट्रेड यहाँ पर मिला, मैं ट्रेड किया और मुझे 1:4 मिल चुका है। और चलते हैं, देखते हैं मुझे और कहीं ट्रेड मिला या नहीं मिला। ये देखिए ये एक शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ और ये लगभग नियरेस्ट है जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है, ये जो बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल है,
अपर लेवल के नियरेस्ट में ही शूटिंग स्टार बन गया, तो क्या यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे? बिल्कुल ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होगा मैं इंटर हो जाऊंगा, और स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, सेम कैंडल का हाई 5 या 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और 1:4 मेरा टारगेट होगा। ये देखिए सिंगल कैंडल में मार्केट टारगेट को दे दिया 1:4, लगभग 70 पॉइंट इस टाइम पे मुझे मिला। फिर और मुझे कहीं ट्रेड मिला, और मुझे कहीं ट्रेड मिला, इधर इधर देखिए कोई भी शूटिंग स्टार या फिर बेरिश कैंडल है नहीं है, तो हम इधर ट्रेड नहीं करेंगे। ये ट्रेड ही एकदम एग्जैक्ट सही जगह पे देगा जहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट गिरने वाला होगा, इसलिए ये स्ट्रैटेजी इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रैटेजी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। ठीक है, अब हम लोग को ट्रेड मिल रहा है, हम लोग को क्या देखना, अपर बॉलिंजर बैंड देखना, बीच वाले को नहीं देखना। एक सेकंड, इंडिकेटर बाहर चला गया। हाँ, हम लोग को अपर बॉलिंजर बैंड देखना, नीचे वाले को नहीं देखना, अपर बॉलिंजर बैंड में टच होना चाहिए। ये देखिए मुझे एग्जैक्ट यहीं पे ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड मिला, ये नियरेस्ट है बॉलिंजर बैंड का, नियरेस्ट है और लगभग टच करने वाला था लेकिन टच नहीं कर पाया, लेकिन ये नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल है और ये यहाँ तक कैंडल आया है, तो ये नियरेस्ट है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, सिर्फ पी के साइड ट्रेड बनाएंगे, पुट के साइड कॉल साइड ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे इसका लो जैसे ब्रेक होगा हम इंटर हो जाएंगे और सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे। सेम कैंडल का हाई यहाँ पे लगभग 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और 1:4 हमारा टारगेट रहेगा। ये देखिए टारगेट अचीव हुआ 24 पॉइंट का। अगर कोई यहाँ पे भी ट्रेड करेगा उसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस आ रहा है जो कि यहाँ पे है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये फिर भी 1:4 दे देगा। फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेड ले लेंगे, इसके लो जैसे ब्रेक होगा ट्रेड लेंगे। कलर मैटर नहीं करता, शूटिंग स्टार का कलर नहीं मैटर करता, वो ग्रीन कलर में भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी ट्रेड लेंगे और ये कम से कम कितना तक गया, 1:3 तक गया, 1:3 50 पॉइंट टारगेट दिया, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे आपका अपना एक्सपीरियंस काम आएगा कि आप प्रॉफिट को कैसे लॉक करोगे। मैंने एक तरीका बता दिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, प्रॉफिट लॉक होते जाएगा। और भी मैं ट्रिक बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए इतना यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। 1:4 यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, फिर मान लीजिए कि एक जगह पे यहाँ पे भी ये शूटिंग स्टार टच कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड मारेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:4 टारगेट, ये देखिए इजिली अचीव हुआ। तो ये दिमाग में रखना है क्या क्या, फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल, सेकंड बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा लेना है, थर्ड बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल के पास, या तो बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करे या थोड़ा सा उससे नियरेस्ट होकर के या तो शूटिंग स्टार बनाए या तो एक बेरिश कैंडल बनाए जो रेड कलर में हो, ऊपर का छोटा पिक और नीचे का छोटा पिक और रेड कलर में हो, और तीसरा कैंडल या तो स्पिनिंग टॉप बनाए। ये 3 कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल के नियरेस्ट में या फिर उसको टच करके बन रहा है और उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है, हम तुरंत एंटर होंगे और सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे और मिनिमम 1:4 टारगेट लेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं इतना बैक टेस्ट कर दिया जो कि बहुत आगे मैं जितना भी देखूंगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेड मिला, आप देख लो बैक टेस्टिंग करके, आप जाके देख लो, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और पर डे मिनिमम मैं कह रहा हूँ 300-250 पॉइंट इजिली अचीव करके देगा। ठीक है, ट्रेड्स 5 से 10 ट्रेड्स हो जाएंगे, मैं उसमें नहीं कह सकता। ये देखिए 1:4 50 पॉइंट का ऐसी टारगेट अचीव हुआ, यानी मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट को हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, यहाँ पे भी ट्रेड मिला, ये भी ट्रेड चला गया सक्सेसफुल। ठीक है, और आप पीछे जाइए, देखिए बेरिश कैंडल है, यहाँ पे भी ट्रेड गया, ये लगभग 1:1 तक ही दिया, तो ये आप 2 से 3 ट्रेड स्टॉप लॉस खाएंगे, बाकी सारे ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जाएंगे। ठीक है, उसके लिए इशू नहीं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड पकड़ाया, बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल को टच करते हुए क्या बन गया, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का जैसे ही लो ब्रेक होगा मेंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम 1:4 मेरा टारगेट होगा। ये देखिए लगभग 70 पॉइंट का टारगेट अचीव करके दिया, आप देख सकते हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप जाकर के बैक टेस्टिंग करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस स्ट्रैटेजी का। आप देखिए जितना भी ट्रेड मिला हम लोग को, एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ये वाला कैंडल पे, जो कि बहुत बड़ा कैंडल था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। ठीक है, आप देखते जाओ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी प्रॉफिट मुझे मिला इस कैंडल पे, शूटिंग स्टार पे। इधर तो कोई कैंडल नियरेस्ट में बना ही नहीं है वैसा। ठीक है, नियरेस्ट में नहीं बनेगा, ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी प्रॉफिट है लगभग 78 पॉइंट का, यहाँ पे भी प्रॉफिट है लगभग 60 पॉइंट का, यहाँ पे भी प्रॉफिट है लगभग 50 पॉइंट का, यहाँ पे भी प्रॉफिट है लगभग 50 पॉइंट का, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया है मार्केट ने, फिर उसके बाद हम लोग को टारगेट मिला 112 पॉइंट का, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिला 113 पॉइंट का। तो आप देख सकते हैं ना,
पिछले दिन का मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोई पिछला डेटा बैक टेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं कर पा रहा, आप जाके बैक टेस्ट करो। मैं लगभग पिछले 6-7 महीने का बैक टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तभी मैं स्ट्रैटेजी आपके लिए लाया हूँ। और मैं इनफैक्ट मैं खुद जब मुझे स्कैल्पिंग करना होता है मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं वो लॉजिक समझा देता हूँ। जो बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल होता है ना, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होता है, मार्केट के गिरने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और मार्केट गिरने की चांसेस बढ़ाएगा तो वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ेगा, या तो वो शूटिंग स्टार बनाएगा या कोई भी बेरिश कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो मेजरली जो मार्केट रिवर्स होता है वो शूटिंग स्टार या फिर बेरिश इंगल्फिंग या फिर स्पिनिंग टॉप, ये 3 कैंडल से मार्केट रिवर्स होता है। तो हम क्या कॉम्बिनेशन कर दिए कि टॉप को फाइंड आउट करके और एक नेगेटिव कैंडल को पकड़ के उसके लो को ट्रेड कर रहे हैं और 1:4 का टारगेट ले रहे हैं। सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस, अगर मार्केट स्टॉप लॉस भी खाया तो छोटा सा 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, लेकिन जब टारगेट जाएगा तो मिनिमम 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स इतना तो जाएगा ही। और पर डे कम से कम आपको 4 से 5 ट्रेड तो फिक्स मिलेगा, ऐसे तो 10-10 15-15 ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन 10-10 15-15 ट्रेड नहीं करना है। मैं खोल के कह रहा हूँ प्रॉफिट आ जाए लॉक करके डेस्कटॉप बंद कर देना, ठीक है, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। सिंपल क्या दिमाग में रखना है, बॉलिंजर बैंड अपर बैंड को टच करते हुए या फिर उससे छोटा सा थोड़ा सा नियरेस्ट में या तो शूटिंग स्टार बने या तो एक बेरिश कैंडल बने जिसमें रेड कलर में थोड़ा सा बीक नीचे और थोड़ा सा बीक ऊपर हो, जो मैं अभी ये जो मैं अभी इसको सर्कल कर दिया हूँ, इस टाइप का कोई कैंडल बने, या तो शूटिंग स्टार बने या तो स्पिनिंग टॉप बने, ये 3 कैंडल को दिमाग में रखना है बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल के पास नियरेस्ट में या तो टच करता हुआ, टच करता हुआ जो बनेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। जो नहीं टच करेगा वो भी एक्यूरेट होता है, उसमें भी रिजल्ट्स मिलता है, मैं बैक टेस्ट करके दिखा दिया। अब आप जाकर बैक टेस्ट करो और ट्रेड करो, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देना चाहता हूँ, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाकी आप समझते हो क्यों बोलना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करो और स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पैसे बनाओ, बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। और इनफैक्ट आप सोचो इसकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:4 है, यानी कि अगर मैं 4 बार गलत हुआ और बस 1 बार मैं सही हो गया ना, मेरा चारों का स्टॉप लॉस एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा। अब आप बताइए इसका जो एक्यूरेसी है वो 80% से प्लस में है, यानी कि अगर ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सोचो कितना प्रॉफिट में होगा। एक तो 1:4 इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और ऊपर से फिर क्या है कि आप 4 ट्रेड गलत करोगे और 1 ट्रेड आपका सही चला गया ना, चारों का स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा। और अगर जिस दिन आपने, जैसे ये कल वाला दिन था या फिर और भी कोई दिन, इस दिन 3-4-5 ट्रेड मिले सारे प्रॉफिट्स में गए, आप सोचो कि 4-5 ट्रेड अगर प्रॉफिट में मार दिए 1:4 का, तो समझ रहे हो कितना प्रॉफिट है। 50-50, 70-70, 100-100 पॉइंट करके अगर आप 4 ट्रेड कैप्चर किए तो 300-400 पॉइंट तो पैसे ही कैप्चर कर लोगे। और स्कैल्पिंग किया ही जाता है इसलिए क्योंकि मार्केट 1 में 400 पॉइंट नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, तो वो जो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाने वाला फेज होता है ना, हमें उसी में कैप्चर करना है पॉइंट, इसलिए स्कैल्पिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके रूल्स को लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं बढ़िया से रिपीट कर देना हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बॉलिंजर बैंड लगा लेना है, और बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे या तो शूटिंग स्टार या तो इस टाइप का कैंडल और या तो स्पिनिंग टॉप, ये 3 कैंडल बने, ठीक है। शूटिंग स्टार का कलर रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। इसका कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल है इसका कलर रेड ही होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ये 3 कैंडल कोई भी अगर बने बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को टच करता हुआ या उससे नियरेस्ट, और जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक हो हम एंटर हो जाएंगे और सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है, और मिनिमम टारगेट 1:4 रखेंगे। 1:2 मिलने के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा रूल था, और बाकी आप यूज़ करो और पैसे बनाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी मैं लाने वाला हूँ। जितने भी लोग गॉडफादर यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे होंगे, और अब ये तो स्कैल्पिंग मिल ही गया, इससे तो दिन भर पैसे बनाओ, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहे और ट्रेड करें। और आप सभी को बहुत बहुत, आज सरस्वती पूजा भी है और 26 जनवरी भी है, तो हर एक चीज़ के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, और मैं आप सबको बहुत ही अच्छा अच्छा इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा सा स्ट्रैटेजी ला के दूंगा। आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मन है तो बैक टेस्ट कर लो, मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ, और यूज़ करके पैसे बनाओ। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।